सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग बेंजी। और आज अपन बात करने जा रहे हैं प्रिंस ऑफ पर्शिया फॉरगॉटन सैंड्स के बारे में, कि ये गेम इतना चला क्यों नहीं और इतना फेल कैसे हो गया और प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम्स की तुलना में। तो यार, पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये मेरे ओवन एक्सपीरियंस पे बेस्ड वीडियो है। तो प्लीज़ इसको और किसी वीडियो से या और किसी आर्टिकल वगैरह किसी भी चीज़ से कंपेयर मत करना, क्योंकि जो कुछ भी मैं इसमें बोल रहा हूँ मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो चलो यार, अब बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। तो यार, जैसा कि आपको सबको पता है कि प्रिंस ऑफ पर्शिया एक काफ़ी फेमस फ्रेंचाइजी है, खास तौर पे इंडिया में। एंड इसके बहुत सारे गेम्स आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 6-7 गेम आ चुके हैं, जो कि अपन ने मोस्टली सारे खेल भी लिए होंगे। तो अभी जो रिसेंट सबसे लास्ट में जो गेम आया था फॉरगॉटन सैंड्स, वो मतलब इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। तो इसके फेलियर के पीछे रीजन्स क्या थे, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं 3 ऐसे रीजन्स बताने जा रहा हूँ जो कि सबसे बड़ा कारण बने कि फॉरगॉटन सैंड्स इतना चला नहीं मार्केट के अंदर। प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न था कि जो फॉरगॉटन सैंड्स है उसकी स्टोरी काफ़ी वीक एंड काफ़ी शॉर्ट थी। देखो यार, अपन ने नॉर्मली सैंड्स ऑफ टाइम ट्रायलॉजी खेली है, तो उसके अंदर स्टोरी एक इमोशनल स्टोरी थी, काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी अच्छी थी, एंड मतलब कुछ सेंस बनाती थी। लेकिन इसके अंदर इतनी खास स्टोरी नहीं थी। एंड चलो ठीक है, स्टोरी खास नहीं थी बट थोड़ी बड़ी तो बनानी चाहिए थी। ये गेम 6-7 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है। मैंने अभी रिसेंटली खेला है इसको, मेरे को 6.4 आवर्स लगे हैं इस गेम को कम्प्लीट करने में। एंड इसी रीजन की वजह से लोगों को ये गेम इतना पसंद नहीं आया कि वो इतना ज़्यादा पे कर रहे हैं, बट उनको कोई ना तो अच्छी स्टोरी मिली ना कोई बड़ी स्टोरी मिली। थोड़ा कम से कम थोड़ी बड़ी तो बनानी चाहिए थी ना, कि लोगों को थोड़ी समझ में आए और लोग थोड़ा इंटरेस्ट ले सके उसमें। इंटरेस्ट लेने का स्टार्ट होता है तब तो ये गेम ख़त्म ही हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था, क्योंकि लोग जो प्रिंस ऑफ पर्शिया सैंड्स ऑफ टाइम ट्रायलॉजी खेले हुए हैं उनको पता है कि प्रिंस ऑफ पर्शिया की स्टोरीज़ कैसी होती है। तो उनकी तुलना में ये वाली स्टोरी बिल्कुल भी इतनी खास नहीं थी, इसलिए ये पहला रीज़न है कि प्रिंस ऑफ पर्शिया फॉरगॉटन सैंड्स को इतना मतलब ज़्यादा ऑडियंस नहीं मिला। तो चलो यार, अब मूव करते हैं अपन सेकेंड रीजन की तरफ, जो कि है फेशियल एनिमेशंस एंड कैरेक्टर डिज़ाइन। तो देखो यार, आपने प्रिंस ऑफ पर्शिया के गेम्स खेले होंगे पुराने वाले, तो उनमें कैरेक्टर डिज़ाइनिंग कितनी शानदार थी, मतलब कितने शानदार कैरेक्टर्स होते थे, उनके मॉडल्स होते थे, उनके जो फेस वगैरह होते थे सब कुछ अच्छे से डिज़ाइन किए हुए होते थे। लेकिन फॉरगॉटन सैंड्स में ऐसा लगता है कि उन्होंने जल्दीबाजी में काम किया हो। ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे थे इस गेम के, ऐसा नहीं है ग्राफिक्स बुरे थे, लेकिन उनके अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स नहीं थे। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो कि ग्राफिक तो काफ़ी अच्छे थे बट जो कैरेक्टर्स थे वो उनके अकॉर्डिंग नहीं थे। एंड एनिमेशन, जो कैरेक्टर्स का एनिमेशन था वो भी मतलब घटिया सा लग रहा था, ऐसा नहीं कि थोड़ा रियलिस्टिक थोड़ा स्मूथ हो। इस गेम के जो एनिमेशंस थे, जो कैरेक्टर एनिमेशन फेशियल एनिमेशन वगैरह, वो बिल्कुल अनरियलिस्टिक थे, जैसे कि आपने सैंड्स ऑफ टाइम रीमेक के ट्रेलर में भी देखा होगा। यही चीज़ की वजह से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है सैंड्स ऑफ टाइम रीमेक को। तो ये एक और रीज़न था जिसकी वजह से प्रिंस ऑफ पर्शिया फॉरगॉटन सैंड्स को इतना ज़्यादा मतलब लोगों ने पसंद नहीं किया। चलो यार, अब मूव करते हैं अपना फाइनल रीजन की तरफ, जो कि है इसका कॉम्बैट सिस्टम। तो अगर आपने प्रिंस ऑफ पर्शिया ट्रायलॉजी खेली होगी, सैंड्स ऑफ टाइम ट्रायलॉजी, तो आपको डेफिनेटली ये पता होगा कि जो ये फॉरगॉटन सैंड्स है वो कॉम्बैट सिस्टम के मामले में जो पुराने प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम्स हैं उनके अड़ता भी नहीं है। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि जो देखो फॉरगॉटन सैंड्स का जो कॉम्बैट सिस्टम था ना, जो मतलब थोड़ा फास्ट पेस्ड था, एंड मूव्स कॉम्बोज वगैरह ये भी नहीं थे। जो पुराना कॉम्बैट सिस्टम था, फ्री फॉर्म फाइटिंग सिस्टम ऐसा कुछ नाम था उसका, वो इतना एडवांस था कि उसमें अपन कॉम्बोज बना सकते थे बहुत सारे, मतलब एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस होता था फाइटिंग का। लेकिन जो फॉरगॉटन सैंड्स है उसके अंदर बिल्कुल भी वो एक्सपीरियंस अपने को देखने को नहीं मिलता। जो इसका फाइटिंग सिस्टम है वो काफ़ी फास्ट पेस्ड है, एंड ऐसा लगता है कोई अर्केड गेम खेल रहे हो अपन। इसलिए लोगों को ये इतना पसंद नहीं आया। अगर आप डायरेक्टली बिना सैंड्स ऑफ टाइम ट्रायलॉजी खेले या उनके बारे में जाने बिना अगर डायरेक्टली ये गेम खेल रहे हो आप, इस केस में आपको ये गेम पसंद आ सकता है, क्योंकि आपने जो इसका पास्ट है वो नहीं देखा। ये जो फ्रेंचाइजी है उसका पास्ट नहीं देखा, आप सीधे ही उस गेम पे आ रहे हो जो सबसे रिसेंट है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये पहले ऐसे हुआ करते थे प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम्स एंड अब कैसे हो रहे हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था मेरे को लग रहा है यूबीसॉफ्ट की तरफ से कि गेम को फास्ट पेस्ड बनाएं ऐसे, बट अनफॉर्चुनेटली ये फेल हो गया।
तो यही रीजन था कि लोगों को इसका जो कॉम्बैट सिस्टम है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें तीन चार मूव्स थे। बाकी कॉम्बैट में जो एक चीज़ मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी, जो उसकी पावर्स थी ना, वो थोड़ी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, जैसे वो पानी को फ्रीज करने वाला, ऐसे ऐसे। इसमें स्लो मोशन का भी कोई सीन ही नहीं था। जैसे कि एक टाइम वॉरियर है, प्रिंस ऑफ पर्सिया एक टाइम वॉरियर है, तो टाइम को फ्रीज करना एंड टाइम को स्लो करना, ये पावर्स होनी चाहिए थी, बट इस गेम के अंदर कुछ भी नहीं थी। एंड जो इसके एनिमीज वगैरह ये थे वो भी काफ़ी रिपीटेटिव थे, एंड इसकी जो बॉस फाइट्स थी वो भी इतनी खास नहीं थी, मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, एंड इतनी डिफिकल्ट भी नहीं थी, मेरी ओपिनियंस में बता रहा हूँ मैं। तो इसीलिए यही रीजंस थे कि प्रिंस ऑफ पर्शिया फॉरगॉटन सैंड्स इतना ही नहीं चला अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी, अपनी पुरानी जो टाइटल्स है उनके कंपेरिजन में। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरे ओपिनियन सही लग रहे हैं या कोई इनसे इश्यू है, कुछ भी, मतलब इनसे रिलेटेड कुछ भी कोई बात हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि उसी की वजह से आपको पता चला है कि मैंने कोई फ्यूचर में वीडियो डाली भी है। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।